इस घर से मेरा संबंध भी बहुत पुराना और अटूट है, जो पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, सदा रहने वाला है। भगवान बीजेपी के साथ आ रहे हैं, खुशखबरी आ जाएगी, खुशखबरी असम ने आ जाएगी, बिहार के लोगों को फिर से सब एक साथ हो गए। हम दोनों भाई मिले हैं और जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होती है, और जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। एक सर महागठबंधन का दूसरे सर से इस तरह से टकरा रही है कि आप देख रहे होंगे, यहाँ कोई न नीति है न वहाँ कोई नेता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राजमोहन तिवारी। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मिलने आज सुबह सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उनके घर पहुंचे थे और उसके बाद से ही ये कयास लगने लगे थे कि आज हो सकता है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ बैठक के बाद एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दे। देखिए, नित्यानंद राय और चिराग पासवान जब बातचीत करके बाहर निकले उस दौरान कई सवाल खड़े थे जिस पर जवाब नित्यानंद राय ने खुद दिया है। चिराग पासवान को लेकर, लोजपा रामविलास के एनडीए में शामिल होने को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है वो पहले आप सुनिए। भाई, यह घर हमारा पुराना घर है, इस घर से मेरा संबंध भी बहुत पुराना और अटूट है, जो पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, सदा रहने वाला है। हम दोनों भाई मिले हैं और जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होती है, और जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। आगे क्या होगा, क्या चिराग पासवान बीजेपी के साथ आ रहे हैं, खुशखबरी आ जाएगी, खुशखबरी असम ने आ जाएगी, बिहार के लोगों को फिर से सब एक साथ हो गए। हम देखिए, माननीय रामविलास भैया और भाजपा हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से, काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं, समझे ना। यह तो हम लोग एक तरफ बात हो गई सर, बात फाइनल हो गई है क्या, बात फाइनल हो गई है क्या, एनडीए में आने की बात घबरा कर आपस में मेल मिलाप भी कर रही है और टकरा भी रही है। एक सर महागठबंधन का दूसरे सर से इस तरह से टकरा रही है कि आप देख रहे होंगे, यहाँ कोई न नीति है न वहाँ कोई नेता है। नीति, नेता, सेवा, काम, विकास, देश के प्रति दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी से उन लोगों को सीखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनत प्रयास से विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है। नेता उधर एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश की जनता, बिहार की जनता 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो चुकी है और वह सारा विपक्ष यानी महागठबंधन। तो अभी आपने सुना केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को, जिन्होंने साफ कहा है कि ये जो घर है जहां वो अभी पहुंचे हैं उनके साथ रिश्ता बहुत पुराना है। रामविलास पासवान का भी नाम लिया और कहा कि देखिए, बात कभी बिगड़ी ही नहीं थी कि बनाने की ज़रूरत हो। हालांकि ये बात उन्होंने ज़रूर कही कि चिराग पासवान के साथ मुलाकात जब भी वो करते हैं तो बातचीत होती ज़रूर है, राजनीति को लेकर भी होती है और हमेशा अच्छी बात ही होती है। हालांकि गठबंधन में शामिल होने को लेकर उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन एक इशारा जरूर उन्होंने किया है कि देखिए, चिराग पासवान के साथ बात कभी बिगड़ी नहीं थी, इसलिए बात बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा महागठबंधन में जो खटपट है जेडीयू और आरजेडी के बीच में, उसको लेकर भी नित्यानंद राय ने साफ कहा कि इस सरकार की ना नीति है और ना इसके पास नेता बचे हैं और ना ही यह सरकार काम कर रही है, इसीलिए इस सरकार का ये हालत हो चुका है कि आपस में ही एक दूसरे पर केवल और केवल टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। अब चिराग पासवान ने आज पार्टी के नेताओं की, पदाधिकारियों की बड़ी बैठक भी बुलाई है। देखना होगा कि आज पार्टी की बैठक में चिराग पासवान क्या कुछ कहते हैं और गठबंधन को लेकर कब तक ऐलान करते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।